जब हमारे मोबाइल फोन में कुछ ऐसी फाइलें, वीडियोज, फोटोज होती हैं जिनको ना तो हम अपने यार दोस्तों को दिखा सकते हैं और ना ही तो अपने फैमिली को, तो इसी बात को लेकर के हम काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। जैसे कि हम कभी अपने घर में यानी फोन रख देते हैं तो उसी बात को लेकर के हम काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो कभी हमारे फैमिली में कोई हमारा फोन चेक करने लगे, या तो हमारे यार दोस्त हमारा फोन चेक करने लगे तो वो फाइलें यानी वीडियो फोटोज वो देख लें। तो इसी बात को लेकर के हम काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो जानते हैं कि इन वीडियोज फोटोज को हम कैसे अपने मोबाइल फोन में ही सेव करके कहाँ पे रखें जिससे कि ये हमारी फाइलें और फोटोज को कोई ना देख सके। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में एक प्राइवेट सेटिंग ऐसी होती है जिसमें कि हम अपनी वीडियोज फोटोज को प्राइवेट सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो का पूरा प्रोसेस और ले चलते हैं आपको आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन में। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में। तो ओपन करते हैं हम अपना फोटोज वाला फोल्डर गैलरी। तो गैलरीज में जैसे कि मेरी यहाँ पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि जैसे मैं अगर सिलेक्ट करके टोटल करना चाहता हूँ प्राइवेट, तो इनको ऐसे टच करके रखूँगा स्क्रीन में और मैं इनको सब में टिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। टिक करने के बाद जो यहाँ पे हमारा सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन बता रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये वीडियो हमारी सब प्राइवेट हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार प्राइवेट हो रही है। इसके बाद आप अगर एक एक फ़ोटो को प्राइवेट करना चाहते हैं आप चेक करके, जैसे कि मैं इस फ़ोटो को प्राइवेट करना चाहता हूँ, ये मेरी फ़ोटो, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मूव का हो गया, रेनाम का हो गया, सेट एज वॉलपेपर का हो गया, यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं। पांचवें नंबर में आपको सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार मेरी ये देखिए प्राइवेट हो चुकी है ये भी फ़ोटो। इसके बाद हम अपने प्राइवेट सेटिंग में जाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा प्राइवेट में सेव पड़ा हुआ है, हम देखना चाहते हैं उसको, तो कैसे देखें। तो यहाँ से बैक होते हैं फटाफट, इसके बाद ओपन करते हैं अपना सेटिंग। सेटिंग ओपन होने के बाद हमें ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिलता है देखने को, तो इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई विथ फेस का ऑप्शन बता रहा है, यानी कि लॉक का बता रहा है। तो यहाँ से हमें वेरीफाई करना है अपने फेस को दिखा करके लॉक खोलना है, तो मैं अपना लॉक खोलता हूँ फेस दिखा करके। तो यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियोज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि 388 आइटम्स मेरी पड़ी हुई हैं फोटो एंड वीडियो, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिक करके रखता हूँ और टिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे सेट एज पब्लिक का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे हमें फोल्डर बता रहा है किस फोल्डर में हमें भेजना है, तो मैं कैमरा चूज करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारी वीडियो रिव्यूइंग हो रही है, यानी कि सेंड की जा रही है उस फोल्डर में। तो फिर से इसको आप चेक कर सकते हैं, तो ये देखिए जो वीडियो हमारी पड़ी थी वो वीडियो वहीं पे आ गई हैं। ये देखिए जहाँ पे पड़ी थी उसी तरह सेम वही जगह पे आ चुकी है हमारी वीडियो। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी वीडियो फोटो फाइल को आप प्राइवेट सेव कर सकते हैं, पर्सनल चीज़ को, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन में ही। अब दूसरी बात आती है कि जैसे कि मैं एक फ़ोटो को क्लिक करके रखता हूँ, तो यहाँ पे जो मूव का ऑप्शन बता रहा है, तो इस मूव के ऑप्शन से क्या होता है। तो देखिए दोस्त, मूव के ऑप्शन से ये होता है कि जैसे कि मैं किसी भी फाइल को वीडियो को मूव करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इस फोल्डर से हटा के दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो मूव का ऑप्शन यही होता है। तो जैसे कि मैं मूव करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फोल्डर आ जाएंगे।
अगर आप न्यू एल्बम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके न्यू एल्बम बना के उस फोटो को अलग सेव कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अगर अदर फोल्डर में जाना चाहते हैं तो उसमें जा करके कुछ इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए मेरी वीडियो सक्सेसफुली हो चुकी है, मूव हो चुकी है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्राइवेट अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके अपनी राय दीजिए। तो मैं प्राइवेट अकाउंट कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल में, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।